नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और सीपीएल 2020 के मैच नंबर 18 के प्रेडिक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। जमैका विड रहा है यहाँ सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स से। आज के टीम आपके सामने, बढ़ते हम लोग टॉस पे। सेंट किट्स बने हम लोग, टेल्स के साथ गए हम लोग और देखना है टॉस जीतते हैं हारते हैं। जमैका ने जीता है टॉस, डिपेंड रहना पड़ेगा उनके ऊपर। और जमैका डिसाइड कर रहा है कि खुद आ रहे हैं बैटिंग में, हम आ रहे हैं गेंदबाजी में, जिसका मतलब है कि आज रन चेज होने वाला है। वीडियो की होने जा रही शुरुआत, मैच की होने जा रही शुरुआत। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यह सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को पसंद आए तो सजेशंस हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप लोग। और हाल फिलहाल गेंदबाजी टीम आ गई है परफॉर्म करने के लिए। बल्लेबाज ओपनर्स यहाँ पर शुरुआत के लिए अच्छी बेहतर शुरुआत करना चाहेंगे हम लोग। 180 को टारगेट कर ही रहे हैं मिनिमम, हम लोग 160 के आसपास रुकना चाहेंगे। इनको शॉट, वॉल्टन का पहली ही गेंद पे वन बाउंस चौक का। मैच की शुरुआत वन बाय वन करनी चाहिए थी, यहाँ पहले ही चौथे गियर में गाड़ी घुमा दी इन्होंने। कुछ खास फायदा मिला नहीं है पहली गेंद पे चौके का। 115 ही मार रहे हैं जो कि थोड़ा सा कम है एवरेज से। बल्लेबाज जो खेल रहे हैं वॉल्टन अभी भी खेल रहे हैं, बदला लेने के लिए अभी अभी आउट हुए हैं। यहाँ पर आंद्रे रसल मेरे ख्याल से नकरुमा बॉनर ने सिर्फ एक गेंद खेली है। गेंदबाजी आपके सामने, शुरू करते हैं फटाफट यहाँ पे गेम प्ले। बॉनर नए खिलाड़ी पहली गेंद का सामना करेंगे और पहली ही गेंद पे पवेलियन। पहला गेंद कैसा बदल गया, पहली हमने पहली ओवर डाली उसमें चौका पड़ा, यहाँ पे हमने पहली गेंद डाली यहाँ विकेट ले गए हम लोग। अभी अभी आए थे जीरो, कुछ ज्यादा बड़ा कर नहीं पाए और बिना कोई खाता खोले पवेलियन। नए खिलाड़ी के रूप में कार्लोस ब्रेथवेट आ रही है, बेहतर खिलाड़ी होंगे शायद। तो तन्वीर डेफिनेटली दूसरी गेंद पे भी चाहेंगे विकेट लेना, लेकिन एकदम अपोजिट हुआ है यहाँ पे। ब्रेथवेट ने लगा दिया है छक्का। ये होता है रिमेंबर द नेम वाले बल्लेबाज का परफॉर्मेंस, याद रह जाता है। पहली ही गेंद थी, अब मैंने उम्मीद नहीं की थी छक्के की, तो बिल्कुल भी नहीं की थी। चौका भी चलो मान लो थोड़ा बहुत लग जाए, लेकिन छक्का तो बिल्कुल भी नहीं। और बेहतरीन मारा टाइमिंग टेक्निक, सीधा लाइन सेम लेंथ, थोड़ा ऑफसाइड रखा है, बढ़िया एंगल बीट करते हुए यॉर्कर के साथ। इस बार कैच। ओ आज क्या हाई शॉट बैठा है मेरा, क्या कैच किया है मैंने, बहुत ही कम बार है मोस्टली ड्रॉप हो जाता है। इस बार तो ऐसा लगा जैसे तैयार ही था मैं कि कैच आएगा मेरे पास। शॉट अच्छा तो नहीं था बड़े अच्छा नहीं था, लेकिन पावरफुल जरूर था, पेस बहुत था बैट स्विंग, लेकिन अंत में कैच आउट। कार्लोस ब्रेथवेट आउट, 6 बना। संदीप लमिच ने आर 41 मैचों में 47 रन, 23 का एवरेज, 2 विकेट ले जा चुके हैं तन्वीर। अभी भी बाकी है, एज लग गया है, थर्ड मैन फील्डर हैं, अभी एक ही मिलेगा सिर्फ। जो सेट है बल्लेबाज वॉल्टन, अब आए स्ट्राइक पे और आए, इन्होंने बेहतर खेला ये भी, लेकिन थोड़ा कैच हो जाता है, थोड़ा फील्डर पीछे की पोजिशन में होते थे। साथ ही खिलाड़ी कितने विकेट लेने के परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो देखना होगा। हाल फिलहाल फिर से फ्लिक लमिच ने का लगा है चौका, पहला बड़ा शॉट उनका। बदलाव कर रहे हैं कप्तान, कुछ फिर से एक बार स्पिन पूरा यूज करेंगे हम लोग। सिर्फ शॉट गैप में अनफॉर्चुनेटली, और 4 की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ गया है ये, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड खेला, 2 बाउंड्री मैंने उम्मीद नहीं की थी इनसे। रमीच ने तैयार और एक इजी गेंद दे दी। अब यहाँ पे पहला ओवर जहाँ हमारे नाम रहा था, 2 विकेट गिरा के बैकफुट पर ढक गया था, यहाँ पे 3 बड़े शॉट लगा दिए हैं रमीच ने। सही कहूँ तो मैंने एक की उम्मीद नहीं की थी यहाँ पे, और 4 लग गए, हम इनको रोकें कैसे, ये एक क्वेश्चन मार्क आ गया है मेरे दिमाग में। कप्तान आए समझाने, अब ये क्या सजेशन देंगे, फील्डिंग बदल नहीं सकते हम लोग, इन्हीं के हाथ में है। ये बड़ा खेल रहे हैं, मैं इनको ऐसी गेंद देता हूँ कि बड़ा खेल पाए। लेकिन भाई जहर जहर को मारता है, आज नहीं मार पाया है। चौका एक और लग गया, रिकॉर्ड बनने वाला है 6 में 6 चौके का, इस गेम प्ले में पहली बार ऐसा होगा 6 में 6। एफर्ट रखूंगा मैं इस गेंद पे, किसी तरह से चली जा रही, 6 चौके लगा दिए लमीच ने, बाप रे। स्ट्राइक दे दिए वॉल्टन को, वो करेंगे क्विक हिट, तेज हिट, गैप में हिट, 4 रन, सुपर हिट वॉल्टन। 43 में पहुंचे 61 पर, अरे यॉर्कर हो रही है फ्लॉप और मैच हाथ से भी निकल रहा है धीरे धीरे। और ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही शॉट खेल रहे हैं, इस बार बीट हुए हैं पिछली बार, और ये किसको मार रहे हैं कीपर गुस्से में, इन्होंने क्या गलत, बॉडी पे दे रहा हूँ मैं इनके गेंद को। कहाँ जा रही है बॉडी, कहाँ कह के कहाँ दूर रख रहे हैं ऑफसाइड में, और गए हैं गेंद के नज़दीक, उठा के मारा है 4, हर गेंद पे अटैम्प्ट किया है, चाहे मिडल हो, लेग साइड हो, ऑफ स्टंप हो, और स्पिनर्स को तो इससे पहले पीट ही दिया था लमिच ने। रन रेट जो 8 भी मुश्किल से लग रहा था, यहाँ 10 पे पहुँच रहा है, और अभी भी रुकने का कोई नाम है, इतना अग्रेशन कब खिला मेरे ख्याल से।
इंग्लैंड पाकिस्तान टी20 में खेला था इंग्लैंड ने, हमारा यकीन नहीं हो रहा ये वही गेंदबाज है जिन्होंने दो विकेट ली थी। अरे हर गेंद पे वॉल्टन यहाँ पे सोना कर रहे हैं, उसका भी डर लग रहा है। लमीचने आए हैं पहली बार तेज गेंदबाज को खेल रहे हैं, पहली ओवर भी खेली थी उसके बाद इनसाइड है चार साइड की है चेंज राउंड द विकेट आ रहे हैं है। लेकिन हाल जिस तरह से खेला है शॉट मुझे लग रहा है फिर से चेंज करेंगे हम ओवर द विकेट आएंगे। यॉर्कर और बैट पैड निकल गई, ये थोड़ी बेहतर की गेंदबाजी। फाइनल गेंद इनका जोसेफ का इस मैच का, चार ओवर समाप्त। ललचा रहा हूँ मैं इनको, अब नहीं लग जाऊंगा क्योंकि फील्डिंग सेटअप ऐसा है नहीं कि मैं रिस्क ले पाऊँ। मिड विकेट अंदर है 38 190 तो लग रहे बन जाएंगे। अचानक से नीचे रह गई गेंद, शॉर्ट पिच सेम गेंद बस थोड़ा सा गुड लेंथ रखना चाह रहा था, शॉर्ट पिच नहीं, बल्लेबाज ने हाइट पर से खेला था शॉर्ट, समझ गए थे उसको। और चार रन 190 में एंट्री ले चुका है इस वक्त जमैका, और अभी और आगे बढ़ना चाहेगा, 200 का चांस बनेगा यहाँ पे अगर सिक्स लगा दे फाइनल गेंद। सवाल यह है कि क्या मैं इतना बड़ा रन चेज कर पाऊंगा, मजे आने वाला ये तो तय है। सेकंड इनिंग 13 रन आखिरी गेंद, ग्राउंड शॉट है चौका ही मिलेगा, ग्राउंड नहीं है फ्लैट शॉट एक्चुअली, एग्रेशन से ही खेला था, ऑफसाइड ही खेला। ये रही इनिंग, देख सकते हैं कि आंद्रे रसल डक, निक्रुमा बॉनर डक, कार्लोस ब्रेथवेट 6, ये मिडल ऑर्डर टूट रहा था उस वक्त। लेकिन 99 मारे शैडविक वाल्टन ने, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया मेरा कि 99 भी बेचारे नॉट आउट रहे, एक रन से चूक गए सेंचुरी। उधर लमीचने ने 10 गेंदें खेली हैं, खास करके स्पिनर्स को जो पीटा है वो बहुत एकदम शॉकिंग था मेरे लिए। उसके अलावा एजिस ने साथ दिया उनका काफ़ी हद तक, बेहतरीन स्कोर यहाँ पर जमैका का। गेंदबाजी में ये हाल है, पिटे हैं सभी अधिक सिवाय एमरिट को छोड़ के, और चलते हैं चेज करते हैं, मजेदार होगा मैच, चैलेंजिंग होगा मैच, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्रिस लेन नेविन लुइस करेंगे यहाँ पर शुरुआत, दोनों अग्रेशन वाले खिलाड़ी। गेंदबाजी दी गई फिल एडवर्ड्स को, अच्छे हैं अच्छे गेंदबाज हैं। सेकेंड इनिंग पहला गेंद, पेस आ रहा है 151 डाला है तो पेस तो लगेगा ही। हमने कहा था कि मुझे चैलेंजिंग मैच मिलेगा लेकिन इतना चैलेंजिंग होगा ये नहीं सोचा था। 83 रन करने हैं लगभग 30 गेंदों में, और हालात बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे। हमारा भी ओपनर बचा हुआ है, मिडल ऑर्डर में बल्लेबाज खेल रहा है, 50 के चांस है लुइस के पास, लेकिन ये टारगेट को चेज करने के लिए ऑल आउट अटैक करना होगा। 16 रन के आसपास, 16-17 के आसपास हमें करने हैं रन, 16-17। गेंदबाजी हाल आपके सामने, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। बैंडंग शॉट तो बहुत क्लासिक खेला है, 2 रन भी लेकिन नहीं आ रहे हैं, तो फायदा कुछ ज्यादा हुआ नहीं, पर खेला बहुत बढ़िया था। एक ये फील्डिंग सेटअप और एक हमारा फील्डिंग सेटअप था यहाँ पे आप 2 रन मिलेंगे अधिक से अधिक, 4 के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं, 6 लग जाए तो ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया फील्डिंग सेटअप। और अभी के लिए पुट्टी पूरे करेंगे लुइस 38 गेंदों में, पर काम नहीं रुका है। शॉर्ट पिच गेंदे आए तो मजा आएगा, लेकिन आगे दी थी, हाँ शॉर्ट पिच ना आए, मैंने गलत कह दिया, शॉर्ट पिच ना आए तो मैं करूँगा। आगे आई और जैसे ही देखा कि आगे है बल्ला, पॉइंट पर से घुमाया है 6 के लिए। टाइमिंग टेक्निक अगर ठीक है फिर तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, आप चाहे फील्डर के पास से मारो या कहीं से मारो, ग्राउंड बहुत बड़ा है, 4 निकालिए। लेकिन हाथ लगा ही दिया ना, बड़े हिट लग तो रहे हैं लेकिन कब तक, आखिर कब तक बड़े हिट लगेंगे, जब तक इस तरह की गेंदें आएंगी तब तक। और 6 रन अभी के लिए, फिर जमैका को मैसेज जा चुका है कि इस तरह की गलतियों पे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अरे ये कैसे नॉट आउट दे दिया मुझे यही समझ में आ रहा, ऊपर से ओवर थ्रो कर दिया, मैं रन ले रहा हूँ वहाँ पे, फील्डर थोड़ा सा लेजीनेस दिखा रहे हैं पीछे की तरफ, फाइन लेग शॉट फाइन लेग में, मैं शायद DRS लेता अगर होता। शामशी एम्पायर से दूर गए पहली गेंद के लिए, और ये हम लोग कुछ ज्यादा ही फ्रंट फुट गए। एम्पायर से दूर जाने का फायदा ये हुआ कि एकदम क्रॉस मारी है गेंद, एकदम क्रॉस खेली थी गेंद, क्रॉस डाली थी और होल्ड किया है यहाँ पर, हम लोग समझ ही नहीं पाए कि क्रॉस कर रहे हैं गेंद, हम तो भाई नॉर्मल स्ट्रेट समझी थी हमने। मिस हुए और बैंडंग बोल्ड हुए यहाँ पर, शामशी को मिल गया पहला विकेट। सोहेल तनवीर आ गए हैं, बैटिंग कुछ खास है नहीं, मतलब कि फिर से एम्पायर से दूर, अब लेकिन इस बार हमने ले लिया स्लॉट में, उसको भेज दिया है दर्शकों के बीच। रन रेट अभी 12 के ऊपर, और यही रीजन है कि हम लगातार अटैक करें, ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बाउंड्री लाइन पे खड़े तो हैं फील्डर, और आसान है, काफी दूरी थी लगभग 1 मीटर 1.5 मीटर जितने उसकी, और नेक्स्ट टाइम अवॉइड करना होगा, थोड़ा गैप देख के खेलना होगा तो इसी तरह से विकेट को। निक केली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, होगा कि अभी तो एक कर ले रहे हैं ऐसी गेंदबाजी, बीट करा है राइटी के सामने, कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लुइस के सामने। शामसी तैयार, पैरों पे गेंद है, हिट किया है,
गैप में से दो निकालेंगे, स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे कैली, रनआउट का चांस, लेकिन पहुंच जाएंगे। रन रेट हर गेंद में 3 रन, स्ट्रेट शॉट और रिएक्शन में थोड़ी सी देरी, वक्त भी नहीं था। अगला ओवर शॉट बड़ा लेकिन आया नहीं बल्ले पे, सही है क्या लेविस लुइस को स्ट्राइक दो वो बेहतर होगा। सारे के सारे लेफ्टी हैं टीम में, अब करें तो करेंगे, ग्राउंड इतना बड़ा कि इतना वक्त मिल जा रहा है फील्डर को, फिर भी नहीं रुक पाए यहाँ। और ये रिजल्ट है इनके प्योर पावर हिटिंग का, अगर थोड़ा भी कमी होती तो अब सबको पता है, रुक ही गया था और तो रुक ही जाता आसानी से। कंटिन्यू करना चाहूंगा इस अटैक को, हाल फिलहाल फिर दो स्ट्राइक अपने पास ही रखें लुइस, बेहतर होगा अपने पास ही रखें बेहतर होगा। ये क्या कर रहा है, इतना अंदर क्यों गई है, अब बच गए डायरेक्ट हिट से, निकाले हैं गैप पे, शॉट किया है बहुत बढ़िया, 4 रन एक बार फिर। पांचवा गेंद अभी तक बढ़िया रहा है, ओवर 9 बॉल डाल दिए, रन मैंने दौड़ा दिया है, गेंद वहीं की वहीं है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, कीपर के पास तो नहीं गई, स्ट्राइक रोटेट, फ्री हिट है, फायदा नहीं उठा पाए, इसीलिए कहा था लुइस को फेंक दो स्ट्राइक पर, ओवर थ्रो हुआ है, इसका भी फायदा नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। लास्ट गेंद के लिए लुइस, उनसे बेहतर अभी मैं क्या कहूँ, हालांकि इन्होंने भी 2 गेंदें मिस कर दी तो जज करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा। आई मीन लुइस आखिरी 12 गेंदें और ये पहली गेंद पैर लग गया है, खाता खोड़ा है विकेट से और सबसे बड़ी विकेट ले गए हैं यहाँ पर शामची। DRS का ऑप्शन था, लिया नहीं हमने, एच सुनाई दी है अच्छी खासी यहाँ पर, और अब गेम चेंज होगी। तो लेफ्टी सब है रैंकिंग हाई वाले, वो प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर शैन की। फिरांग खान राइट ही आए हैं, फील्डिंग सेटअप और देखना वो गेंदबाजी कहाँ से करते हैं सामसू। रन रेट अभी भी ऊपर है 3 से, वाइड गेंद 11 में 38, yes! नहीं, उधर भी हमने बचाया है, रन आउट से भी 10 में 38, नजदीक आ गया 4 रन पर। ये मुझे याद दिला रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की सेमीफाइनल की, वहाँ पर भी ठीक है ये हालात बने थे, रिजल्ट क्या आया था उसके लिए आप पीछे जाके वीडियो देखें। यहाँ पे हाल फिलहाल चौका और खान को मिल तो गई है बाउंड्री, लेकिन काम यह है कि अभी 9 बाउंड्री और चाहिए हर गेंद पे बिना रुके मारनी है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। कप्तान कुछ चेंजेस का इशारा करते हुए, 6 रन लगे तो बेहतर होंगे, अभी हाल फिलहाल 4 ही लग जाए तो बहुत है। ये बच्चे हैं, 2 ही आया इस बार, 8 में 32, तब तो एग्जैक्ट 4 रन पर हो रहा है। एम्पायर से दूर गए, बड़ा शॉट लिया है, सीधा खेल गए, हम लोग कंफ्यूज थे ऑफ साइड स्ट्रेट कहाँ की है, और अंत में स्ट्रेट को चुना और गलती हो गई वो उनकी, और लेफ्ट हैंडेड आउट, कैली आउट। अब गेंदबाज आएंगे बैटिंग करने, टारगेट जा चुका है 4 से ऊपर, अब चौकों से काम नहीं बनेगा, आपको हिट करने होंगे 6 वो भी बिना रुके लगातार, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होने वाला है। निक कैली 6 में से 5 बना के आउट हुए, मिस करे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्होंने। राय दिमृत अगले खिलाड़ी, 6 में 30 हो तो सकते हैं, लेकिन पहले आप ले पे सही ढंग से गेंद लीजिए, 5 में 31 भी ड्रॉ हो सकता है, अभी भी हम पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, अभी भी ड्रॉ हो सकता है, अभी भी जीत सकते हैं अगर यहाँ पे 9 बॉल चली जाए, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। इमरान खान, और जो मैंने कहा था ये देखिए 1 6 तो लगा दिया है, लेकिन 9 बॉल का इंतजार कर रहे हैं, एक और हिट करिए 6 फिर मानू मैं आपको। अरे बहुत बड़ा ग्राउंड, फील्डर को ऊपर से आगे आना पड़ रहा है, हाफ पे आए तो डी आर के पीछे की तरफ डीप में और आउट, 6 और फिर आउट। इमरान खान 6 में 13 करके आउट, नंबर 10 पे आ रहे हैं अलजारी जोसेफ, यार बड़े शॉट के लिए हम लोग हिट किया है 38 तो बीट है, नहीं होंगे कैच तो नहीं होंगे इस बार। अरे चमत्कार रसल ने किया है, लग रहा है पीछे से तो रसल ही लगे, लेकिन एक और विकेट ऑल आउट का चांस बनता हुआ यहाँ, शॉट कॉन्फिडेंस से खेला था लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस ही रह गया, बल्ले में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, शॉट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और एक रनिंग कैच, एक मुश्किल कैच किया है यहाँ पर जी, आंद्रे रसल नहीं कैच किया, राय दमृत आउट 3 में 1 बना। लास्ट विकेट जॉन रस जगसान, पहली बार बैटिंग करने आएंगे, लास्ट गेंद ग्राउंड शॉट ले रहे हैं हम लोग, जीत तो सकते थे अंत में 9 बॉल्स आ जाती तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 2 लिया है 21 रनों से यहाँ पे हार हाथ से, और जमैका तलवाहास बने हैं विनर मैच नंबर 18 के, 21 क्रेडिट जाएगा बैटिंग टीम को, बैटिंग के हिस्से को जिन्होंने एक्स्ट्रा रन जो पीटे हैं
उन्हीं की बदौलत इतना बड़ा स्कोर बना और फिर गेंदबाजों ने उसे डिफेंड करने में सफलता हासिल की। तब राइस शामसी मैन ऑफ द मैच, 5 विकेट हॉल पूरा किया। ये पहली बार हुआ है हमारे सीरीज में कि 5 विकेट गेंदबाज ले गए। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ आपसे विदा, होगी मुलाकात जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल पर देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।